आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जमीन मापने की जितनी भी इकाइयां होता है, बीघा, हेक्टेयर, एकड़, बीसवा, गुंथा, शायद आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जमीन मापने की ये सब इकाई है। इनको एक दूसरे को आपस में कैसे रूपांतरण करते हैं, यानी हेक्टेयर को बीघा में कैसे चेंज करते हैं, बीघा को एकड़ में कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो जमीन मापने की जो जितने भी इकाइयां हैं सबको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक गुंठा यानी एक गुंठा में 1089 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है, एक गुंठा में 1089 स्क्वायर फीट इतना। और यहाँ पर एक बीघा में 20 बीसवा होता है। एक बीघा में कितना बीसवा होता है? 20 बीसवा। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो, एक बीघा में 23.5 गुंठा या 16 गुंठा। तो देखो, जो इंडिया है, इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं 23.5 गुंठा चलता है और कहीं कहीं 16 गुंठा चलता है, ठीक है, वह डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बदलता जाता है। और जो चौथा है, एक एकड़ में 40 गुंठा होता है। एक एकड़ में कितना गुंठा होता है? 40 गुंठा। ऐसे ही एक एकड़ में 4047 स्क्वायर मीटर होता है। एक एकड़ में कितना स्क्वायर मीटर होता है? 4047 स्क्वायर मीटर। उसके बाद से फिर से एक एकड़ में 1.7 बीघा, नहीं तो 2.5 बीघा। फिर से यह इंडिया के कई राज्यों में इतना चलता है, 1.7 बीघा, और कई राज्यों में 2.5 बीघा ऐसे चलता है। और अगला है, एक हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। और जो लास्ट है, एक स्क्वायर मीटर में 10.75 स्क्वायर फीट होता है।